मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले ओलंपिक पदक विजेताओं के आरोप के बाद लोग केंद्रीय महिला विकास मंत्री के बयान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री स्मृति ईरानी फिलहाल इस पूरे मामले से खुद को बचाती नजर आई हैं। इस बीच इनका पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बतौर विपक्षी नेता महिला सुरक्षा के सवाल पर यूपीए सरकार को जमकर घेर रही थी। उस वक्त स्मृति ईरानी सदन को जानकारी दे रही थी कि कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटियों की सुरक्षा के लिए ईरानी जी इतनी संजीदा बातें करती थी, लेकिन ये गुजरे जमाने की बात निकली। आज स्मृति ईरानी स्वयं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनकी पार्टी के ही ब्रिजभूषण शरण पर महिला एथलीटों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। स्मृति ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि आम लोगों की बच्चियां घर से निकल नहीं पा रही तो उनके माँ बाप को चिंता लगी रहती है, लेकिन आज आम जनता छोड़िए, खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली खास बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं। बावजूद इसके महिला विकास मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। ओलंपिक पदक और अर्जुन पुरस्कार जैसे अलंकरणों से सम्मानित विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया जैसे दुनिया के महान एथलीट आज अपने ही देश में सत्ताधारी बीजेपी के एक सांसद के कुकर्मों को मीडिया पर बता रहे हैं, रो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने भले ही मीडिया में कोई बयान ना दिया हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मामले से जुड़ी कुछ तथ्यों पर अपनी राय रखी है। जानकारी के मुताबिक ब्रिजभूषण मामले पर जवाब देते हुए ईरानी ने कहा है वो धरने पर बैठे बजरंग पुनिया और फोगाट बहनों के संपर्क में है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा 2013 में कांग्रेस ने निर्भया फंड बनाया था, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो पता चला कि इस फंड से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया था। कांग्रेस मुझे हर जगह निशाना बनाती है क्योंकि भारत में लोकतंत्र के इतिहास में मैंने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनाव में हराया था। अब दोस्तों, अगर आप स्मृति ईरानी के इस बयान में देखें तो इन्होंने उस पूरे मामले पर कोई बयान देने के बजाय इसे पूर्णतया राजनीतिक बताते हुए कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया है।